ये इधर भाई हमारे नए सस्पेंशन जो है उनको रेड करते हुए, पहले व्हाइट करा था हमने, सोचा व्हाइट प्लान आउट कर लेते हैं, फिर मैंने ब्लैक बोला था, इन्होंने व्हाइट कर लिया भाई ने, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो रेड करके देख लेते हैं इनको, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर में सूख जाएंगे। और ये हमने अपने रियर के लिए प्लान आउट करे हैं, ये जो सस्पेंशन हैं हमारे रियर की स्प्रिंग्स रहेगी, ये फ्रंट की स्प्रिंग्स रहेगी, हमारे भाई ने अपने हिसाब से ही इनकी हाइट को ड्रॉप दिया है। क्योंकि भाई देखो बात ऐसी है कि कारीगरी अपनी जगह होती है, दिमाग अपनी जगह होता है, एक्सपेरिमेंट्स अपनी जगह होती हैं, जो चीज़ जिसको स्टॉक लगवानी है एनीवे भाई के पास जब मर्जी आओ जैसे मर्जी आओ, सारे सस्पेंशन सारे शॉक रखते ही हैं, बट व्हेन इट्स कम व्हेन इट्स अबाउट के आपको इन चीज़ों के लिए ऑर्डर पहले देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खैर आज हम करने के जा रहे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं हूँ हमारे भाई के पास, इनको आप मियां बोल लो खान बोल लो, इनको दो ही नाम से सबसे ज्यादा लोग जानते हैं मार्केट में। एज ऑफ नाउ ये कर रहे हैं सस्पेंशन को रेड, मैंने कहा रेड करके देख लेते हैं, रेड अच्छा लगता है स्प्रिंग्स पे देख के, क्योंकि मैंने अपनी स्विफ्ट के अंदर येलो कर रखा था, तो ये कह रहे थे येलो पेंट लेना अगर तुमने येलो करना हो, तो बाकी जो कलर तुमने करना हो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। इन्होंने व्हाइट करा था, मैंने कहा रेड कर दो, रेड देख लेते, अगर रेड समझ नहीं आएगा तो हमारा जो गोल्डन कलर है या जो अपना लैंडमार्क वाला कलर है, क्योंकि मैंने अपनी स्विफ्ट में येलो कलर के स्प्रिंग्स डाले थे, उन स्प्रिंग्स को डालने के बाद मतलब मैंने उनका नाम ब्लैक मामा सस्पेंशन रखा था। आज हम करके आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम अपनी कुछ ऐसी कार चलाते हैं, जैसे कि मेरी एक वैगनार बाहर की तरफ खड़ी हुई है, ऐसी कुछ कारों के अंदर बॉडी रोल बहुत ज्यादा होता है, झोला मारती है, कार की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, इधर उधर जाती है। गाड़ी के अंदर जब आप चला रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, जैसे आप किसी थार को चला रहे हो आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि कहीं ये पलट ना जाए, तो ऐसे कुछ इश्यूज मुझे अपनी वैगनार में भी आते हैं। फिर चाहे आपके पास स्विफ्ट हो, कोई और कार हो, i20 हो, हर कार के लिए आप उसके हिसाब से हमारे भाई से अपने सस्पेंशन कस्टमाइज करवा सकते हो। ये वो सस्पेंशन है जो इन्होंने खुद अरेंज करे। इधर की तरफ भाई सस्पेंशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं पेंट होकर, तो एज ऑफ नाउ हमारे मियां भाई खान भाई ने इसका नाम तो डिसाइड नहीं करा है, लेकिन भाई मैं चाहूंगा आप अपने नाम पे रख दो, आपका अपना नाम ही बता दो भाई, कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस को मालूम होना चाहिए। इसका नाम रखेंगे खान सस्पेंशन, नहीं आप अपने पूरे नाम पे रख दो खान सस्पेंशन। मैंने एक काम और कराना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि करंट हाइट हमारी कितनी है वैगनार की, यहाँ पर हम इसे चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज स्प्रिंग आपने जो बनाई भाई, ये बताओ ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया या कैसे आपने इसे आज पहली बार बनाई है, ठीक है, देखते हैं सक्सेस होता है या नहीं होता है। वो तो मैं ही बता ही दूंगा इसका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। खैर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, चाहे आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स करवाने हो कम पैसे के अंदर, चाहे आपको दूसरा कोई भी काम हो, चाहे आपको कोई अपनी कार का शॉकर लगवाना हो, स्टॉक का स्टॉक चाहिए जो सेम हाइट का आता है, या उसमें कुछ चेंजेस भी कराने हो, उसमें तो पहले क्या नाम है तुम्हारा पूरा साइज देना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा, मतलब गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हो, बता दो मैं पहले ही मेरे को। बाकी रिफिल वगैरह का काम तो एनीवे ये करते ही हैं, चाहे आपका कोई शॉकर लीक हो गया हो, सपोज कंपनी में आप जाते हो तो सेम शॉकर का प्राइस 4,000-5,000 हो सकता है, आप इनके पास आओ आपको सेम शॉकर या तो पलट कर दे देंगे या फिर उसी शॉकर को रिपेयर करके दे देंगे, कुछ 2-3 घंटे के आसपास लगते होंगे फोक को रिपेयर करने में, सस्पेंशन रिपेयर करने में। भाई हमारे काफी सालों से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए भाई आपको? 10 साल हो गए भाई। 10 साल इसी लाइन में? 10 साल से हमारे भाई नसीम भाई इसी लाइन में कर रहे हैं काम। और खैर ये है देखो, जैसे ये कुछ यूनिक आपने ग्रीन कलर के सस्पेंशन नहीं देखे होंगे, ग्रीन किस में आते हैं ये? बैटरी स्कूटी, बैटरी वाली स्कूटी के अब नए आने लग गए है ना, तो ये बैटरी स्कूटी रिपेयर करानी हो आपको, स्कूटर हो बाइक हो, ये व्हाइट वाला किसका? एफजी का है, केटीएम का है व्हाइट वाला, और वो जो उधर पीला वाला थी वो एफजी फेजर एफजी का होगा, ठीक है, यूनिकॉर्न अपाचे यूनिकॉर्न, बाकी कार के इनके पास सारे हैं, मारुति वारुति फोर्ड वोर्ड सारी गाड़ियों के सस्पेंशन रिपेयर और साथ ही साथ रिप्लेस दोनों कर देते हो ना, बाकी ऑल इंडिया आपको शिपिंग चाहिए हो, आपके घर तक चाहिए हो, तो वो सब आपको ये करके देंगे तैयार एकदम आपका सस्पेंशन घर तक। यहाँ पर हम आज करने के चाह रहे हैं, आपको मैंने बताया होगा कुछ टाइम पहले कि मेरी कार के सस्पेंशन लीक हो गए हैं, ठीक है, अब मैंने गड्ढे में मारी, मैं एक एक दिन में 14-14, 15-15, 2-2 हज़ार किलोमीटर लेके गया, तो हो सकता है कि कहीं गड्ढे उड्ढे में लग के खराब हो गए, काफी टाइम चल गया, बहुत चल गए। कब करे थे हमने लास्ट बार चेंज? साल से ऊपर हो गई, और तब मैंने जब इसे चेंज किया था भाई, दिखा देता हूँ आपको, आ जाओ, इसकी करंट हाइट नीचे आ गए, जो मैंने इस कार के अंदर कोई सीएनजी नहीं लगा रखी है, 4 उंगली प्लस 1-5 उंगली करीब 6 उंगली का गैप है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, करीब 6 उंगली का गैप एज ऑफ नाउ है, ठीक है भाई, 6-5.5 उंगली का गैप यहाँ पर है मेरे इस टायर के पास। अगर फ्रंट की तरफ जाऊँगा भाई, फ्रंट भी मेरी गाड़ी सीधी खड़ी है, और फ्रंट गैप की बात करूँ तो यहाँ पर करीब 4 उंगली के आसपास का गैप है, इधर दूसरी तरफ जाता हूँ यहाँ पर भी देख लो भाई, 4 उंगली के आसपास का गैप यहाँ पर भी है,
पीछे की तरफ अगर मैं आता हूँ तो भी वही 4-5 उंगली का गैप है। नसीमा, मैंने पीछे से गुटके लगाकर गाड़ी को उठाया था, तो क्या वो गुटके मुझे वापस लगाने पड़ेंगे इसकी हाइट ड्रॉप करने के लिए? ऐसे निकाल के ऐसे ही कर दोगे? तो हमने इसके, देखो भाई, इनकी दुकान आपको एग्जैक्टली में मिलेगी पिलर नंबर 721-722 के सामने, नवादा मेट्रो स्टेशन। नंबर इनका ये रहा, यही वाला नंबर है 8287642557 नंबर। मिलेंगे आपको ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पर। तो भाई, जो पर्टिकुलर नाम है दुकान का वही है, खान चौका रिपेयर। अब भाई बात ऐसी है, ये भाई हमारे जंगलों में बैठ जाएंगे ना, तब भी इनसे लोग रिपेयर कराने आ जाएंगे, ऐसी गलत तो बात नहीं कह रहा मैं। तो भाई बात ऐसी है, रिपेयर यहाँ करते हैं, सालों से कर रहे हैं। आज हम चलते हैं फटाफट अपनी कार के इन सस्पेंशन की। मैंने आपको स्टॉक हाइट दिखा दी, मैं फोटो ले लेता हूँ, आफ्टर में आपको इसकी जो एक्चुअल हाइट है बाद में होने के बाद भी मैं जरूर दिखा दूंगा। इसी के साथ ही नसीम भाई हमारे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे कि क्या क्या करके देते हो आप कार के अंदर सस्पेंशन के अंदर चेंज? चेंज में गाड़ी यार ऊंची करानी हो किसी को, या हाइट नीचे करानी हो, कार की हाइट उठवानी हो, गिरवानी हो, बाइक हो, स्कूटर, तो वो सस्पेंशन में करते हो या गुटको के अंदर चेंज करते हो? नहीं नहीं, सस्पेंशन में होता है। एक छोटी सी चीज और बताओ, मैंने रोड पे देखी कभी कभी कुछ कार ऐसे ऐसे झूल रही होती है ऊपर नीचे। ज्यादा हाइट ऊंची हो रही है ना, उसकी वजह से, ज्यादा हाइट ऊंची होने की वजह से झूला मारती है, शॉकर खराब होने की वजह से। तो ये दो रीजन इन्होंने बताए। चलो भाई फटाफट इन स्प्रिंग्स को लगाते हैं, और एग्जैक्टली जब निकल जाएगी हमारी वो वाली स्प्रिंग, हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे उन स्प्रिंग्स और स्प्रिंग्स की हाइट को भी। तो भाई फटाफट खोला पोली का काम शुरू करते हैं। ये फ्रंट स्प्रिंग है जो इसके ऑलरेडी लगी होती है, जो इसमें स्टॉक आते हैं वो स्प्रिंग्स है। ये वो स्प्रिंग है, लगी है छोटी स्प्रिंग लगा दी है। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है, ओहो इतना फर्क आएगा भाई, देखो हाइट का करीब 2-3 इंच का, 2 इंच के आसपास का तो गैप यहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ नीचे देखो बराबर है, और यहाँ देखो, तो इतना तो गैप हमें सीधा सीधा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद जब ये लग जाएगा एग्जैक्टली मैं, कार हमारी कितनी गिरेगी भाई? आप मेरे को कह रहे थे एकदम जमीन पर गिरा दूंगा गाड़ी तुम्हारी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उससे? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद चारों गिर जाए। अरे जो इसकी गाड़ी का शोकर है, हाँ, ये स्टॉक शोकर ये है, बाकी जो लगेगा तो भाई पीछे से इतना गिरेगा, स्टॉक ये आता है वो मैंने आपको दिखा दिया, ये इसमें स्प्रिंग लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम जब हो जाएगा तब मैं आपको एंड में जरूर दिखा दूंगा इन सारी चीजों को। बाकी ऐसी कुछ भी चीजें हो, कुछ भी काम आपने करवाना हो, सीधा भाई इनका नंबर वीडियो में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख ही रहा होगा। इसी के साथ ही अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको इनका नंबर जरूर मिल जाएगा। नसीम भाई बहुत तगड़े कारीगर है हमारे, और आप इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी ले सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, सारे काम हो जाएंगे। अब देखो कभी भी आप जाते हो, आपको लोरिंग स्प्रिंग्स लगाने हो, वो दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं, रेनॉन ब्रांड्स भी आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप वो लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ वक्त के लिए या फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने है कि मेरी कार में कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे, तो आप इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। और ये अगर हमारा सक्सेसफुल राना भाई, तो मैं एक बात बोल रहा हूं कि आपको ये ऑर्डर भारत के कोने कोने से आने वाला। चलो भाई इनको फटाफट, जैसे कि दो मैंने आपको बताया था कि दो में से शायद एक हमारा फ्रंट का लीक हो गया है, तो उस टाइम पर दोनों ही चेंज कराना समझदारी है ना, चारों ही चेंज कराना समझदारी है। तो भाई आज हम चारों ही कर रहे हैं इनको चेंज। इसी के साथ ही ये है, ये इन्होंने पूरा तैयार करा हुआ है। जब हाइट गिरानी है तो फिर आगे से गिरेगी पीछे से गिरेगी, ठीक है, दोनों साइड से गिरनी चाहिए तब मजा आएगा। चलो भाई फटाफट गिराते हैं गाड़ी की हाइट, और आज हम इसे लोअर करके दिखाते हैं तीन की गिनती पे, 3, 2, 1। आपने ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। टायरों को खोलने का काम इधर चल रहा है, जरा पहले इसके रिम्स निकाल लेते हैं और कार को हम लगा देते हैं जैक पर, ऊपर उठाते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये भाई हमने दी खोल, इसमें पुराना सस्पेंशन गैब्रियल का डल रखा है, तो इसको हम जरा अभी उतार देते हैं, रिमूव करते हैं और नया वाला सस्पेंशन इसमें इंस्टॉल करते हैं। ये हटा दिया हमने, इसका एक्सेस करने के लिए मिल गया हमको अपना सस्पेंशन। तो ये रहे हमारे जो चेंज होने वाले हैं, ये अगले हैं, ये पिछले हैं, इनको बदलते हैं। ये वाला सस्पेंशन हो गया फिट, जरा आप अपने रिम को अलॉय को वापस लगा देते हैं। भाई हाइट नहीं, इसकी सही में गिर गई, अभी तो एक ही साइड से गिरी है, पहले यहाँ पे आ रही थी मेरी ना चार उंगली, अब चार उंगली छोड़ो, तीन भी नहीं आ रही सही से, अभी तो दोनों गिर जाएंगे तब दिखाऊंगा मैं इसे आपको। भाई अभी गैप देखो जरा कितना कम रह गया इसका, पीछे का भी करके दिखाते हैं आपको दोनों गिरा के। यूजली गाड़ी लोवर्ड कराने के बाद ना दिक्कत ही आती है कि ना हम जैक नहीं लगा पाते, और किसी भी लोवर्ड गाड़ी वाले से पूछ लेना। अभी देख लो इसका ये वाला जैक है,
और ये अगर कभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो हम यही वाले जैक को या फिर अपने जो एग्जैक्टली इस कार के साथ जैक आता है ना उसको लगा कर आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी भाई इसके साथ ही, मैं नहीं चाहता था अपनी कार में मोटा मोटा पैसा स्पेंड करना। जिसके पास है वो लगा सकता है, नहीं वो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जिसको अपनी कार को कम पैसे में तैयार करवाना हो तो उसके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हवाई से लगा देते हैं फटाफट, आ जाओ। अब एक बार आप देख लो यहाँ की हाइट, देखो देखो ये चार उंगली, चार ऑलमोस्ट पाँच उंगली का गैप है, ठीक है भाई। और जो हमने इधर गिराया ना, इधर देखो चार उंगली छोड़ो, तीन उंगली ही चली जाए भाई बहुत है। दो उंगली का ऑलमोस्ट 2 इंच हमने इसकी हाइट गिरा दी है, कम बजट में वो भी। और उसका बजट जो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बता दूंगा। भाई देखो KTM जा रही है, कैसे बना रखी है भाई ने। भाई कितनी गिर गई है, मज़ा आ गया देख के। देखो एग्जैक्टली मैं जो मैं चाहता था ना, जितनी हाइट उतनी है सामने से। देखो 2 इंच का गैप है एग्जैक्टली में, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत प्यारी लगी भाई नीचे करके, अपनी लोवर करके अपनी वैगनार। देखो जैक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे का काम डन है सारा, ठीक है। आगे गाड़ी हल्की सी टेपर में है, पीछे से गिरेगी तो बीच में से लेवल में आ जाएगी। यहाँ देखो एक बार, यहाँ हाइट देखो कितनी आ गई इसकी, इसकी पहले की हाइट और अब की हाइट में कंपैरिजन दिखा दूंगा आपको। यहाँ की अभी की हाइट देख लो, करंट हाइट क्या है, ठीक है भाई। करंट फेंडर का गैप कितना है, करीब 5 इंच 5.5 इंच के आसपास है। गिराते उसको देखो, आगे के गैप देखो और पीछे का देखो कितना ज़्यादा है। गिराते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। पीछे के अंदर हमारे पास शॉकर अलग होता है, स्प्रिंग अलग होती है और इसके ऊपर ये बाउंस करती है। ये जर्क ना ले इसलिए हमें शॉकर दिए गए हैं इस कार के अंदर। आगे सेम चीज़ एक ही के अंदर दी गई है ताकि वो जर्क ना करे। अब बात कुछ ऐसी है, हमने ये काला काला अगर आप देख पा रहे हो, ये जो काला काला सा है ना इतना बड़ा सा, ये है गुटका। और ये गुटका हम इसका हटा देंगे, साथ ही साथ इसकी हाइट ये तो रिड्यूस कर ही देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी चीज़ होगी कि हम इसकी हाइट को गिराकर एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देंगे गाड़ी कैसी तैयार हुई है। तो हम यहाँ पर इस शॉकर को भी और इस स्प्रिंग को भी, जैसे कि यहाँ रखे हुए हैं शॉकर और स्प्रिंग, दोनों को चेंज कर देंगे। यहाँ पर जैसे शॉकर और स्प्रिंग है, इन दोनों को यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे हमने आगे की तरफ करी दिए हैं। उधर की साइड के खोल दिए, इधर के खोल दिए। आगे की तरफ हम एक एक करके कर सकते हैं, लेकिन पीछे हमें दोनों को इकट्ठे ही चेंज करना पड़ता है। तो भाई अब ज़रा इनको भी खोल देते हैं, लूज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये आ गए बाहर और इसकी मैक्सिम, इसकी कुछ हाइट इसकी वजह से तो रिड्यूस होगी होगी, और वो एक्चुअल जो गुटका होता है वो यहाँ तक की हाइट रखता है। प्लस इसकी स्प्रिंग की भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं और शॉकर भी चेंज कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल हाइट दिखा दूंगा क्या है कि गाड़ी यहाँ भी गाड़ी गिरेगी नहीं नीचे दोनों तरफ। तो अभी कुछ ऐसी होगी अपनी गाड़ी। ये देखो भाई, ये इसका एक्चुअली जो पहले था और ये जो हम डाल रहे हैं पुराना नया, फर्क देख लो कितना आ जाएगा एग्जैक्टली से डालने के बाद। शॉकरों को चेक किया, शॉकर एक्चुअली में ठीक थे। वो थोड़ा बहुत भाई कभी कभी ऐसा भी होता है जंप लगने के बाद ऑयल निकल जाता है उसका, चारों सही थे, अपने शॉकर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी कर लिया, इसको वापस लगा देते अब आ जाओ। तो इसके जरा गुटके भी चेंज कर दिए हमने, जिसके एग्जैक्टली स्टॉक गुटके वो भी भाई के पास सारे पड़े हुए थे, आपको ना मिल रहे हो अपनी कार के। वो देखो भाई ने पूरी की पूरी दुकान रखी हुई है गुटकों की ना, जरूरी है गाड़ी ऊंची कराए बंदा नीचे भी करा, ऊंची भी करवा सकते हो नीचे भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इनसे बात जरूर करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों के लिए। करते हैं गाड़ी गिराते हैं फिर मिलता है। रिपोर्ट कार्ड का टाइम है एग्जैक्टली में कि गाड़ी में हमारे कितनी हाइट गिरी। घोड़ियाँ निकाल लिया पहले हल्के से उठा के, इसे नीचे करेंगे जरा, वहाँ से घोड़ी निकाल लेते हैं एक बार। अब पीछे का ठीक है, बहुत सही है। ये चीज़ें थोड़ी सी दूर से दिखती है, अब आगे की तरफ गैप देखो बहुत कम है, पीछे की तरफ देखो उतना है जितना होना चाहिए एक्चुअली जस्टिफाइड करे और कार चले।
आगे मैं पीछे में मान लो आगे दो इंच का गैप है ठीक है तो पीछे कम से कम तीन इंच का होना चाहिए ठीक है ठीक है। कार जंप ले या कोई बंदा बैठे तो मुझे दिक्कत ना हो ये हमने उस हिसाब से सेटअप करा है पूरा थोड़ा ढलान बिल्कुल और पहले कम से कम 6-7 इंच का गैप था अब 3 इंच का हो गया अब 3 इंच के आसपास है। अब अगर आप फोटोग्राफ में ही एग्जैक्टली में समझ पाओगे कैसा है कैसा नहीं अब बैठ रहा हूँ पीछे देखो अब मेरी गाड़ी जो सीधी खड़ी है और जो हाइट का ड्रॉप है वो कुछ ऐसा है ऑलमोस्ट 2 इंच का गैप यहाँ पर आ गया अब और इधर की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 इंच का गैप है ज़्यादा का नहीं है भाई पता है क्या है चलाते में भाई बहुत मज़ा आ रहा है जेन्युइनली बताऊँ कार ना ऐसे चल रही है जैसे सोफे के ऊपर बैठते ना पहले होता ये था कार चला रहा हूँ चलाते में दिक्कत होती थी खड़गड़ पड़पड़ आवाज़ आती थी लेकिन अब सस्पेंशन इतने सॉफ्ट हो गए ऊपर से ना किसी भी बम्प के ऊपर से स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कूद रहा हूँ ना भाई जेन्युइनली मज़ा आ जा रहा है क्या बताऊँ तुमको।